फरवाजी कुछ चाहिए आपको? अब मुझे बाजी मत बोला करो, सारा की तरह मैं भी फवाद की बीवी हूँ। आप जी जी, आप अम्मा जान के लिए दूध गर्म करने आई हैं? नहीं, क्यों? अच्छा, वो मुझे लगा, दरअसल वो सारा भाभी अम्मा जान को दूध और गोली देती हैं, अपने हाथ से खिलाती हैं। तो ठीक है, आज मैं दूध लेकर जाऊंगी, तुम मुझे ग्लास में डाल दो। जी जी। ये ले भाभी। अच्छा, फवाद के लिए चाय मैं खुद बनाऊंगी। जैसे आपकी मर्जी। मीना ने कहा था कि आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया है, मैं दूध ले आई थी आपके लिए। फरवा सुनो। जी। बेटा, मैं ये कहना चाहती हूँ कि सारा एक नेक नियत और साफ को लड़की है। तुम दोनों का इस रिश्ते में बन जाना सिर्फ कुदरत का फैसला था। मैं समझ सकती हूँ। तो आइंदा सारा पे इल्जाम मत लगाना, वो इस बात से बहुत दुखी हुई है। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों प्यार और मोहब्बत से रहो। अम्मा जान, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था, मैंने तो हमेशा सारा को अपनी बहनों की तरह समझा है। बस उस दिन जवेरिया आप ही ने बात ही कुछ ऐसी कर दी कि गुस्सा आ गया और रहा नहीं गया मुझसे। मुझे पता है कि तुम एक अच्छी लड़की हो, सारा ने यूं ही तो इंतखाब नहीं किया ना तुम्हारा। वो बात का है, उनके लिए चाय बनाने ही आई थी। ठीक है, जाओ बना लो, और बेटा खुश रहा करो, बस मैं यही चाहती हूँ। जी। तो मेरी बात पे गौर करना, शाबाश, जाओ। थैंक यू सो मच। किस बात के लिए? मुझे इस बात का एहसास दिलाने के लिए कि मेरी हैसियत इस घर में एक बेकार से फर्नीचर की तरह नहीं है। आपको कायल करना खूब आता है, आपकी सेंसिबिलिटी अच्छी है। थैंक यू। आई एम श्योर के आप इस रिश्ते की नोयत को समझते हुए इसे अच्छी तरह निभाने की कोशिश करेंगे। कुदरत ने इस रिश्ते में बांध ही दिया, तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपको मायूस करूं ना सारा को। अच्छे शोहर की यही तो खूबी होती है, वो सारे रिश्तों को निभाना जानता है। इस रिश्ते को कबूल करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए था, लेकिन अम्मा जान के समझाने और आपकी बातों ने आखिर कायल कर लिया। शुक्र है कि ज्यादा देर नहीं लगी। कहाँ जा रहे हैं? आपका गिफ्ट शायद सारा के रूम में रह गया, मैं अभी लेकर आया।
फवाद आप आ गए। कितने दिनों बाद आप मेरे कमरे में आए। हम मत कहीं जाइएगा। सर का दर्द है सर। सारा सारा की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। आपको सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। साहिर है आपने उसकी भी तो केयर करनी है ना। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन। आपके लिए बहुत खूबसूरत है। ये आपकी चॉइस है या फिर सारा की? ऑब्वियसली सारा की चॉइस है, लेकिन मुझे भी अच्छी लगी थी। एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। नेक्स्ट टाइम मेरे लिए जो भी खरीद कर लाएं वो सिर्फ अपनी चॉइस से लेकर आइएगा। क्यों, तुम्हें अच्छी नहीं लगी सारा की चॉइस? पसंद नहीं आई तुम्हें? अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। कैसे समझाऊं आपको? मेरा ख्याल है कि बीवी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और ख़ास चीज़ वही होती है जो शौहर उसके लिए खुद पसंद करके लेके आता है। वो फीलिंग किसी और की लाई हुई चीज से महसूस नहीं हो सकती। ओके, मैं ख्याल रखूंगा।
थैंक्स। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। सारा को मुंह दिखाई में क्या दिया था आपने? सारा को I think सेट था, हाँ याद आ गया, डायमंड सेट था जो मैं यूके से लाया था उसके लिए। लेकिन मेरे लिए ये रिंग सारे कीमती सेट से बढ़कर है।